सब्सक्राइब करें ज्योतिष SPS चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई अगर आप हमारे चैनल को डेली फॉलो करते हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ पर मिलेगी आपको विवाह के रिलेटेड नई नई वीडियो, नए नए उपाय। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक और वीडियो आपके सामने है। 7 मई अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी की है जयंती, और इस दिन अगर आप करने जा रहे हैं शादी की बात, रिश्ता या फिर कई दिनों से आया हुआ था पर बात नहीं बन रही थी, तो इस दिन हो जाएगा पक्का। बस आपको करना है एक उपाय, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई टोटका नहीं है, बस सिंपल सा उपाय है आपको करना है अपने धार्मिक स्थान पर जाकर। कैसे बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो भाई हर वीडियो की तरह एक सावधानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो करना तो एक ही दिन है, पर इस दिन से लेके आगे 21 दिन तक आपको रहना है व्यसन से दूर। अगर दोपहर में सोने की आदत है उसे भी त्यागना पड़ेगा भाई। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो ये थी सावधानी, अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। उपाय के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर सामग्री, दूध, दही, आटा, चावल और मिश्री। 5 वस्तुएं आपको ये लेनी हैं और आपको जाना है एक धार्मिक स्थान पर। आपके नज़दीक जो भी हो पर जाएं, वहाँ पर अगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति या फिर फोटो है तो अच्छा है, नहीं तो अब भगवान विष्णु जी के आगे समक्ष ये सभी जो सामग्री मैंने बताई रखनी है। और भाई प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी के लिए रिश्ता जब भी आए या फिर बात जो चल रही है वो अब पहली बार में ही पक्की हो जाए, अर्थात विलम्ब ना हो, बात एक बार में ही पक्की हो जाए और आपको 21 दिन में खुशखबरी मिलेगी। और ध्यान रखने वाली बात के विवाह में देरी का मतलब ये नहीं कि आपका भाग्य ठीक नहीं है। चीज़ों को समय दें, सकारात्मक रहें, जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा आपकी लाइफ में। और इसी के साथ दोस्तों ये उपाय आपको चुपचाप करना है बिना किसी को बताए। अगर आपने ये बता दिया तो भाई इस उपाय का कोई मतलब नहीं रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरे पास आते हैं काफ़ी सवाल विवाह के रिलेटेड उपाय जितने भी मैंने बनाए कि भाई क्या और कोई उपाय कर सकता है घर में से। जी नहीं, ये उपाय तो आपको खुद करना है अगर आपको शादी की बात पक्की करनी है। और इसी के साथ एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएं, मैरिज की है प्लेलिस्ट। अगर आपके जीवन में है कोई और समस्या विवाह के रिलेटेड तो समाधान मिल जाएगा। ढूंढिए अपने सवाल के रिलेटेड वीडियो। और ऊपर से अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार।